कोरोना की महामारी से देश को निजात दिलाने के लिए कोरोना के योद्धा लगातार अपने अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं सभी धार्मिक लोग भी कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में कोटा के रामधाम मंदिर आश्रम में रह रहे बच्चों की ओर से मंदिर परिसर में ही मंत्रोच्चार किया जा रहा है। ये मंत्रोच्चार 10 से 15 बच्चों के द्वारा रोजाना किया जा रहा है। मंदिर में अपनी सेवाएं दे रहे आशीष शर्मा और मंदिर के प्रबंधक पुजारी लक्ष्मण दास जी महाराज ने इस पर बताया कि देश में जो कोरोना की महामारी फैल रही है उसको शांत करने के लिए कोटा ही नहीं बल्कि इससे जुड़े दूसरे मंदिरों में भी रोजाना 125 करोड़ लक्ष्य का मंत्रोच्चार किया जा रहा है। तो वहीं आश्रम पहुंचकर इन बच्चों की सेवा भावना के बारे में जानकारी ली हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर ने। विश्व सहित पूरे देश में कोरोना महामारी ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। ऐसे में इस महामारी की चपेट में कई लोग आ चुके हैं और आधे से ज्यादा लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है। लेकिन दूसरी ओर अलग अलग धर्मों के लोग इस कोरोना महामारी से देश को निजात दिलाने के लिए अपने स्तर पर ही प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह कोटा में भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर बच्चे मंत्रों का जाप कर रहे हैं और कोरोना वायरस जो महामारी फैल चुकी है उससे देश को निजात दिलाने के लिए यहाँ पे लगातार कोरोना का जो संक्रमण है उसको भगाने के लिए यहाँ पे जाप किया जा रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ रामधाम मंदिर आश्रम ट्रस्ट में, जहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे हैं जो हैं वो लगातार अपने मंत्रों का जाप कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका जो ये मंत्रों का जाप लगातार 2 से 3 दिनों तक लगातार जारी है। एक निश्चित समय इन्होंने तय कर रखा है जहाँ पर ये लगातार मंत्रों का जाप कर रहे हैं। कोरोना जिस तरह से महामारी फैल चुकी है उससे कहीं ना कहीं देश को निजात दिलाने के लिए जो बच्चों ने यहाँ पे जो मुहिम शुरू की है वो एक सराहनीय मुहिम है। यहाँ पर जिस तरह से जो बच्चे हैं वो लगातार मंत्रों का जाप कर रहे हैं, सामने मंदिर में जो प्रबंधक पुजारी हैं लक्ष्मण दास जी महाराज वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से उनको समस्या जो हुई है ये जो कोरोना की जो महामारी फैली है उसे किस तरह से वो निजात दिलाने के लिए जो बच्चों को यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं उन बच्चों को मंत्रों का जाप करवा रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी सबसे पहले तो आपके एवन टीवी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस तरह के मंत्रों का जाप बच्चों के थ्रू करवा रहे हैं। कितनी महामारी फैल चुकी है और बच्चों को इस तरह से मंत्रों का जाप दिला के किस तरह से क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है? जैसे कोरोना से महामारी के जो है उबारने के लिए बच्चों से जाप कराया जा रहा है आश्रम की तरफ से गुरुदेव की प्रेरणा से, ये समस्त लोगों में समय जो कोरोना फैल रहा है इससे मुक्ति दिलाने के लिए हमारी संस्थान है ये निर्णय किया कि 125 करोड़ लक्ष्य ये मंत्र का जाप करके कोरोना को शांत करने का ये यत्न किया जा रहा है। अच्छा आपके साथ कितने बच्चे यहाँ पे शामिल हैं और कब कब ये जाप किया जाता है? आप इसकी पूरे प्रेरणा स्रोत है किस तरह से जाप करवाया जाता है, कितने बच्चे इसमें शामिल होते हैं? इसमें जो है हमारे विद्यालय के अलावा और भी विद्यालय जाप कर रहे हैं और हमारे विद्यार्थियों के शायद 125 करोड़ का लक्ष्य है, इससे अवश्य ही जो है समस्त कोरोना से मुक्ति पाने के एक प्रयत्न है और भगवान से आशा करते हैं सबको प्रेरणा से मुक्त करें। पुजारी जी एक आखिरी सवाल, जिस तरह से कोरोना लगातार देश में फैल चुका है कोटा में भी फैल चुका है तो बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में किस तरह से जानकारी दी जा रही है, क्योंकि मास्क भी जरूरी कर दिया गया है, मंत्रों का जाप आप लोगों की तरफ से एक मुहिम शुरू की गई है, तो बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से जानकारी मिली? बच्चों को जो है सबको मास्क बांधने का जो है और जो जो बताए गए हैं इतने वो सब किए जा रहे हैं और आश्रम की तरफ से प्रेरणा है कि सबको मुक्ति दिलाने के लिए ये जाप किया जा रहा है माता जी का। निश्चित तौर पर एक जो मुहिम शुरू की गई है रामधाम आश्रम ट्रस्ट की ओर से वो कारगर साबित होगी, क्योंकि जिस तरह से बच्चे यहाँ पर मंत्रों का जाप कर रहे हैं बच्चों के अंदर भी इस जो कोरोना संक्रमण है उसको लेकर जो डर है वो भी बैठा हुआ है, लेकिन जिस तरह से मंदिर के प्रबंधक पुजारी ने बच्चों को प्रेरणा दी है और बच्चों के साथ वो दिन रात खड़े हैं मंत्रों का जाप उनके साथ करवा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से देश में कोरोना महामारी फैल चुकी है उससे कई हद तक देश सहित पूरे विश्व को जरूर लाभ मिलेगा। ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरह से बच्चे मंत्रों का जाप कर रहे हैं और कहा जाता है कि जो बच्चे जो मन से जो मांगते हैं वो भगवान जरूर सुनता है, पहले सुनता है, अब देखना ये होगा कि कब तक देश को इस कोरोना संक्रमण से निजात मिल सकती है। सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज जो कैमरा पर्सन दीपक के साथ योगेंद्र महावर एवन टीवी कोटा।
रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।